इसकी कॉस्ट है 600 रुपीज। अरे भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है? गाइस हम लोग आए हैं औरंगी 15। अलग ही माहौल यहाँ का लग रहा है, इतनी कोई रौनक वाली गली है। वैसे आपका नाम? उस्मान। उस्मान उस्मान भाई मुझे ये बताएं, ये दो कबाब वाले दिख रहे हैं, एक तो तहजीब कबाब है और एक ये मुख्तारिया कबाब है। मुख्तारिया बेहतरीन बेहतरीन भाई। यहाँ पे तो ऐसा कोई धुएं उठ रहे हैं ना, और यहाँ रश चल रहा है, इतनी रात को यहाँ पे कचोरियाँ क्यों बन रही है? यहाँ पे बिहारी कबाब के साथ कचोरी मिलती है, हर आइटम मिलेगा आपको, चपाती पूरी पराठे पूरी सब मिलेगा, जलेबी हलवा सब मिलेगा। मैंने कराची में कहीं नहीं देखा कि कचोरियों के साथ आपको बारबेक्यू, ये बिहारी कबाब, ये सारी चीजें खानी पड़ती है। ये पूरी पराठा है मुख्तारिया का, 10 पूरी सुबह आए पाए पूरी मिलेगा। ये रहा कीमा पूरी, देखिए ये चेक करें भाई। मैंने पूरे कराची में नहीं देखा कचोरियों के साथ, मतलब कबाब और बारबेक्यू का आइटम कचोरी के साथ, ये क्या कॉन्सेप्ट है? हर जगह पराठे में खाए होंगे ये बिहारी कबाब बिहारी बोटी, पर यहाँ जो चेंजिंग है वो आप कचोरी से खाते हैं बिहारी कबाब, तो वो डिफरेंट है, तो लोगों ने पसंद किया। अच्छा कितने साल हो गए इस जगह? गाइस 38 साल हो चुके हैं इस जगह को। गाइस जो मसाला यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसकी खुशबू, ये कौन सी बोटी है? ये बर्फी बोटी है, लेकिन खाओगे तो मुंह में बर्फी की तरह घुल जाएगी। ये तो बिल्कुल ऐसा कीमा की बोटी लग रहा है। इसका नाम है बिहारी बोटी। बिहारी बोटी। इतना दूर आए हैं तो यहाँ पे अच्छी तरह से चख के जाते हैं कि भाई क्या फ्लेवर है। तो मैंने सुना है कि यहाँ का जो प्लेटर है ना, 850 में आपको पूरा बीबीक्यू प्लेटर मिल रहा है, तो हमने सोचा भाई पूरा प्लेटर मंगवाएंगे और सब चीजें चख के बताएंगे कि भाई क्या फ्लेवर है यहाँ का। औरंगी की तो मैंने सुना है सौगात होती है बिहारी बोटी और बीफ बोटी, बिहारी कबाब। तो गाइस हम भी यही ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या जायका है। लोगों के तो रिव्यूज ये कह रहे हैं कि भाई बहुत मजेदार सीन है, जितना बड़ा कराची है ना उतने मुनफरिद जायके, उतने अलग अलग जायके आपको मिलेंगे। तो खाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या फ्लेवर है। गाइस हमारा प्लेटर आ चुका है और भाई बड़ा कोई काफी सारी इसके अंदर चीजें, लेकिन मैं औरंगी टाउन आया हूँ ना तो स्पाइसी तो होना चाहिए। हम खाने को इंतजार नहीं कराते, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ देखें आप शोर कितना है, मैं आपको बताता चलूँ ये 850 का प्लेटर है, लेकिन अगर आपने फूड हेडक्वार्टर को सब्सक्राइब किया हुआ होगा ये आपको 600 रुपए का मिलेगा। तो हम खाने को इंतजार नहीं करते और फटाफट स्टार्ट करते हैं। साथ में हमारी कचोरी है, समझ नहीं आ रहा मैं किससे पहले ट्राई करूं। यहाँ हमारे पास गोला कबाब भी है, चिकन टिक्का भी है और बिहारी कबाब भी है, मलाई बोटी भी है, बिहारी बोटी भी है, सब ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम बिहारी बोटी लेते हैं। ओए होए होए, बिल्कुल मुंह में जाके घुल गई, जैसे उन्होंने कहा था ना कि बर्फी होगी बर्फी। और कचोरी के साथ तो यार बड़ा कोई अलग किस्म का इसका जायका आ रहा है। अब हम आते हैं बिहारी कबाब के ऊपर, जो कि मसालों में ना बिल्कुल भरा भरा हो रहा है, और इसमें मसाले मुझे सारे सामने दिख रहे हैं, ये देखें। तो हम ट्राई करते हैं। बिहारी कबाब के अंदर ना सारे मसालों का इन्होंने मुझे बताया कुछ 17-18 मसाले हैं जो इसके अंदर मिक्स इसके साथ बनाए जाते हैं बिहारी कबाब। आफ्टर टेस्ट इतना प्यारा आ रहा है, इतना प्यारा कोई मसाला लगा हुआ है यार, मजा आ गया यार। गोला कबाब ट्राई करते हैं, लेकिन गोला कबाब मैं डायरेक्ट ट्राई करूंगा, ये आप देख सकते हैं। इट्स गुड। आपको पता है मुझे मलाई बोटी जो है सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मलाई बोटी में तो अभी तक हम आए नहीं, तो मलाई बोटी ट्राई करते हैं। मुझे जाते ही खुल गई, जैसा मुझे अंदेशा था वैसी है, और बहुत लाइट एक मसाले के साथ है, मतलब जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता उसको फील करोगे ना खाने को, तो आपको फील होगा कि हाँ भाई
लेवल है इसका। और अब हम आते हैं चिकन टिक्का के ऊपर। मसाला जो इसके ऊपर लगा हुआ है ना, टिक्का ना भाई बेहतरीन है। कीमा पूरी है इसके अंदर, कीमा है। और इसको टेस्ट करते हैं है कैसी है। ये कुछ यूनिक है, पहली बार मैंने देखा है। इस तरह खाऊं यार, पूरा अंदर ना इन्होंने कीमे से इसको भरा हुआ है, मज़ेदार है यार। अगर मैं रेट करूँ ना, बिहारी कबाब 10, बिहारी बोटी 10, गोला कबाब 7, मलाई बोटी 8, टिक्का भी 10, मतलब इंतहाई लजीज। 600 रुपए में इतना सारा बेहतरीन खाने। इवेंट्स में भी ये खाना जाता है, तो आप लोग ऑर्डर बना सकते हैं, ऑर्डर बनवा सकते हैं मुख्तारिया से। अपनी शादी में अक्सर लोग बोलते हैं कि यार खाना अच्छा नहीं था, लेकिन जब ये खाना होगा तो खाना अच्छा होगा गाइस, सही कह रहा हूँ? एकदम सही, ओके। हाय हाय, क्या बात है। तो हम औरंगी टाउन आए थे आज, और हमने आकर यहाँ पर ये जायका तलाश किया, साथ साथ हमारा हलवा भी हमारे हाथ में आ गया, चम्मच भी आ गया। तो इसी तरह के मुख्तलिफ जायके हम तलाश करते रहेंगे कराची के अंदर। कराची बहुत बड़ा है भाई, बहुत डाइवर्स है, बहुत मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, बहुत मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, खाने हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और फिर मिलते हैं एक नए जायके, एक नए फ्लेवर, एक नई जगह पे। तब तक के लिए थोड़ा हम चख लेते हैं।